एवरीवन एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज मैं निकला हूँ गाड़ी लेके इस गाड़ी की एमओटी करवाने के लिए, क्योंकि इस गाड़ी की एमओटी ड्यू है। जो मेरी कार है उसकी एमओटी ड्यू है इस सितंबर एंड में, और मैंने जहाँ पहले गाड़ी की सर्विस करवाई थी, जिस कार की सर्विस करवाई थी वहीं पे एमओटी करवाऊँगा। मैंने जो गैरेज वाला अंकल है उससे बात कर ली थी और उन्होंने मुझे कहा था कि आप ले आना 3 o'clock गाड़ी को, ताकि आपकी गाड़ी की एमओटी हो जाएगी। मैंने आगे वाले गाड़ी वाले भाई साहब को रास्ता दिया तो पीछे वाले गाड़ी को गुस्सा आ गया और उसने मुझे हॉर्न बजा दिया। पागल, तेरे को समझ नहीं आता, बच्चे आगे चल रहे हैं तो रास्ता देना पड़ेगा ना। वेलकम बैक टू चैनल, आई होप एवरीवन एब्सोल्युटली फाइन दिस पेंडेमिक में। मिलता हूँ आपको मैं आगे इस ब्लॉग में बदल इस ब्लॉग के साथ। आज स्पेशली इंग्लैंड में गर्मी बहुत है भाई। आज का वेदर अराउंड 26 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन जो फील है इसका वो 28 डिग्री है। इसका मतलब है कि बहुत ही गर्मी है भाई, और इस गर्मी की वजह से लोगों का आज का जो पहनावा है टोटल ही बदल गया है। काफ़ी लोग अपने देसी लोग हैं, कुर्ते पजामे भी हैं, और कुछ मेरे जैसे शॉर्ट्स और टी शर्ट पहन के भी घूमते हैं। क्या करेंगे, अभी गर्मी है, निकलना तो पड़ेगा। और इसकी वजह से जो लोग जो निकले हैं गाड़ी लेके, ट्रैफिक जाम हो गया है, लोग हॉर्न पे हॉर्न बजा जा रहे हैं। इससे पहले कोई हॉर्न बजाता नहीं था, लेकिन आज हॉर्न पे हॉर्न बज रहा है। यार क्यों बजा रहे हो हॉर्न यार, एकदम गो यार, क्या करें। देसी पब्लिक है ना भाई, थोड़ा देसी बना तो आएगा ही आएगा, उसमें कोई शक नहीं है। चाहे हमारे इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो या नेपाल से हो, अपने देसी लोग हैं, अपनी मर्जी से गाड़ी ड्राइव करेंगे, अपनी मर्जी से हॉर्न बजाएंगे, अपनी मर्जी से म्यूजिक भी चलाएंगे। इतना तो बनता है ना, इन लोगों ने हमारे देश पर राज किया ऐसा समझ के मेरे ख्याल से लोग यहाँ पर इस तरह से इंजॉयमेंट करते हुए नज़र आते हैं हर वक्त। बड़ी ट्रैफिक है, काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ है। मुझे ज़्यादा दूर जाना नहीं है, मुझे आगे की स्ट्रीट से ही लेफ्ट लेना है, तो मैं लेफ्ट लेके सीधा गैरेज के रास्ते पहुँच जाऊँगा। यानी कि मैं विद इन 2 मिनट में या लेस देन 3 मिनट में मैं गैरेज पहुँच जाऊँगा। पहली बात तो देखना चाहता कि मैं ये जो मैंने लगाया है इसके ऊपर वो कितना लंबा टिकता है। पहले एक बार शायद मेरा GoPro टाइट नहीं हुआ था तो वो नीचे गिर गया था, अभी थोड़ा सा टाइट करके रखा है मैंने, साथ में सपोर्टिव भी है, बट पता नहीं क्यों कैसा हो गया कि वो निकले जा रहा था। आपको क्या पार्क करना है या जाना है, करना क्या है देखते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं। इधर भी ट्रैफिक लग गई भाई, हर जगह ट्रैफिक है आज। चलो भाई, मैं आ गया हूँ गैरेज में लखानी मोटर सर्विस, और हमारे जो अंकल है वो शायद होंगे कि नहीं होंगे, बाहर डलवाएंगे किधर डलवाएंगे पता नहीं, पूछना तो पड़ेगा अंकल को, अंकल किधर है। बाद में फिर बोलेगा तो नहीं ना, अंकल किधर है करके, मोटी करवाने के लिए बोला था 230 को, अंकल किधर गए। अच्छा, वो गाड़ी को निकालेगा उसके बाद अपनी गाड़ी देंगे, इससे बेटर तो मैं रिवर्स में जाके गाड़ी को निकाल देता हूँ। यार तो नहीं रहा कुछ और से, चलो आ गया तो भी क्या, मेरे पास GoPro लगाया हुआ विटनेस बन जाएगा भाई, गाड़ी का एक्सीडेंट का विटनेस बन जाएगा। चलो भाई, अपने को लगाना ही ब्रिज, लगा दिया। अंकल किधर है पता नहीं, अंकल ने ये भी शोरूम खोल के रखा हुआ है, अंकल ने वो भी शोरूम खोल के रखा हुआ है, अंकल किधर है कुछ नहीं पता। 230 को बुलाया था, लंच पे तो नहीं चले गए हो अंकल जी। फाइनली अंकल आ गए, गाड़ी को गैरेज में ले आया अंदर से। अंकल ने बोला गाड़ी चालू रखो, गाड़ी चालू रखने को बोला तो गाड़ी चालू है, गर्मी बहुत है भाई।
ये है अंकल का जो अमोड़ी स्टेशन है, जो आगे देख रहे हो मशीन, जहाँ पे स्क्रीन पे कुछ दिखा दिखाई दे रहा है वो अमोड़ी करने के लिए जगह है। यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ सर्विस में आई हुई हैं और ये अमोड़ी की जगह है। अंकल को गाड़ी हैंड ओवर किया और अंकल ने सैनिटाइज करना स्टार्ट कर दिया। तो अंकल पहले गाड़ी को सैनिटाइज करेंगे, उसके बाद ही एमओडी करेंगे, मतलब उसके बाद ही हाथ लगाएंगे, ऐसा बोलते हैं। तो अच्छी बात है, कोविड के प्रिकॉशन ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैंने मास्क नहीं पहना, अंकल ने मास्क भी पहन लिया। अभी अंकल मार रहे हैं सीट कवर उस पहले बैठने से पहले। तो ये निकाला, अंकल क्या करना है, इसको सीट कवर डालना है, सीट कवर। ओके, सीट कवर डालने के बाद अंकल गाड़ी में बैठ गए और एमओडी करने लगे। अभी आप देखेंगे यहाँ पर यूके में एमओडी कैसे करते हैं। तो ये पूरे का पूरा उनका प्रोसेस है और सारे का सारा प्रोसेस इसी सिस्टम में है और वहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई देगा। अभी आप देखें तो अंकल एमओडी कैसे करते हैं, और एमओडी के लिए उन्होंने मेरी गाड़ी को यहाँ पर लगाया, यहाँ से वहाँ पे उन्होंने जो काम कर रहे हैं उसी में आप देख सकते हो किस तरह से एमओडी कर रहे हैं। और वहाँ पे कुछ स्क्रीन पर टच हो रहा है और एमिशंस, जो पेट्रोल एमिशंस है उसके बारे में बता रहे हैं। वाइड एंगल में पीछे अंकल का पूरा ऑफिस है ऊपर में, और ये अंकल का गैरेज है। पता चले लोगों को कैसे एमओडी करते हैं यहाँ पर यूके में, एमओडी का क्या वैल्यू है यहाँ पर। तो साल में एक बार एमओडी करनी पड़ती है गाड़ी का, जितने साल हुए जिस साल में गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग हुई है उसी साल का एमओडी हर बार करना पड़ता है। जैसे कि ये 2015 सितंबर का मॉडल है, सितंबर में ही इसका एमओडी ड्यू होता है और सितंबर ख़त्म होने से पहले इसका एमओडी ख़त्म करना पड़ता है। अगर ना ख़त्म हो तो ये वाले आके लगा इस पर क्लेम लगा जाएंगे और क्लेम की फाइन काफ़ी भारी होती है, एमओडी ज़्यादा होती है। हाँ, बता देता हूँ कि एमओडी की जो प्राइस है वो ज़्यादा नहीं होती है, नॉर्मली 45 से लेके अराउंड ही रहती है। अगर इसमें और कुछ सर्विस ज्वाइन हो तो पड़ता है, अगर कुछ काम निकला हो तो गाड़ी में, अगर एमओडी सक्सेसफुल नहीं हो तो, अगर एमओडी सक्सेसफुल हुई हो तो 45 to 50 pounds में सारा काम हो जाता है यहाँ पर। तो एमओडी है वो हर कोई पर्सन नहीं कर सकता, हर कोई गैरेज एमओडी नहीं कर सकते। जो अपॉइंटेड पर्सन है, जो एलोकेटेड पर्सन है, एलोकेटेड गैरेज है, एलोकेटेड सर्विस सेंटर है, वही एमओडी कर सकते हैं। जिनमें से हमारा ये लखानी मोटर्स है, काफ़ी पुराना है अंकल का काम, तो अंकल काफ़ी सालों से कर रहे हैं, पिछले 3-4 साल से मैं आ रहा हूँ यहाँ पर, तो उनके पास ये ऑथराइजेशन है कि एमओडी करें। टायर चेक किए जा रहे हैं अभी, एक दूसरे वाले का पीछे वाले। पर गए बोलते हैं, अभी चेक करें और चीज़ें। देख ही लिया आप लोगों ने, और ज़्यादा काम बचा नहीं है मेरे ख्याल से, 15-20 मिनट और होगा तब तक इस गाड़ी की एमओडी डन हो जाएगी। इस गाड़ी में सब कुछ ठीक रहा, वाइपर के सिवा, और अंकल ने बोला कि वाइपर चेंज करते हैं और अंकल वाइपर लेके आ भी गए और अभी वो वाइपर चेंज करेंगे। देख सकते हैं मेरे पीछे अंकल जा रहे हैं वाइपर लेके और वो वाइपर चेंज करने वाले हैं। फाइनली एमओडी डन हो गई, बिल मेरे हाथ में आ गया। 40 pounds एमओडी के चार्ज हुए और 25 pounds वाइपर के चार्ज हुए और अंकल ने मेरी गाड़ी बाहर निकल के ला रहे। ये है मेरा एमओडी का सर्टिफिकेट जो मैंने एमओडी पास कर दी है, पास करवा ली है गाड़ी की। एमओडी ख़त्म करने के बाद मैं सीधा मेरे आगे के डेस्टिनेशन पे चला गया था और आगे का डेस्टिनेशन थोड़ा सरप्राइज है। एमओडी के बारे में आप लोगों ने वीडियो पहले शायद देखी होगी, नहीं देखी मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने ट्राई किया कि कैसा कंटेंट लेके आओ आप लोग के लिए, कि आप लोग के लिए थोड़ा सा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे। इंफॉर्मेटिव इसलिए कह रहा हूँ कि
यूके से बाहर जो लोग रहते हैं उनको शायद पता नहीं होगा कि एमओडी कितना इंपॉर्टेंट है यूके में। लोग गाड़ी तो ले लेते हैं लेकिन एमओडी नहीं करवाते हैं, यहाँ पे तो करवाना ही पड़ती है कंपलसरी, नहीं करवाएंगे तो उनके लिए काफ़ी फाइन और क्लेम्स है गाड़ी की एमओडी की, बिना एमओडी गाड़ी ड्राइव करना, अगर एक्सीडेंट हुआ तो उसके लिए पहले एमओडी मांगेंगे और एमओडी अगर क्लियर नहीं होगी तो सारा का सारा जो जिम्मा है वो कार ड्राइवर आ जाएगा। तो इसी इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए मैंने वीडियो बनाई और ट्राई किया कि आप लोगों से शेयर करूँ एमओडी कितना इंपॉर्टेंट है यूके में और कंपलसरी करवानी पड़ती है। आप लोगों को वीडियो आज का अच्छा लगे, आपका आज का कंटेंट आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करते जाना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर जाना, और आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया हो तो इंस्टाग्राम की आईडी मैं इस वीडियो में दे दूँगा। और बस इस पेंडेमिक में फिलहाल इंडिया में और पाकिस्तान के और इंडिया में काफ़ी जगह पर अभी तक नए केसेस आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि लोग अपने घरों से जब भी निकले तो प्रिकॉशन लेके निकले, और प्रिकॉशन लेने की वजह एक ही है कि आप अपने आप को सेफ रखो, अपनी फैमिली को सेफ रखो, अपने रिलेटिव को सेफ रखो, इसलिए प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। और बस अपने फैमिली के साथ रहो, मज़े करो, एंजॉय करो, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस, बाय नाउ।